नमस्कार दोस्तों, आज के इस जीएस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने एशिया महाद्वीप की रिवर्स, आइलैंड, लेक्स एंड डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम एशिया के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एशियन कंट्रीज एंड एशियन सिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंट्री ऑफ कैनाल्स। पाकिस्तान इज नॉन एज कंट्री ऑफ कैनाल्स। द सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि आप मैप में दिखाया गया है, झेलम रिवर हो गई, चेनाब रिवर हो गई, रावी रिवर हो गई, ब्यास रिवर एंड सतलज रिवर। दीज ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ड्यू टू लॉ रेनफॉल इन पाकिस्तान द कंट्री हैव कंस्ट्रक्टेड इट्स कैनाल सिस्टम फ्रॉम दीज रिवर्स। दैट्स वाई पाकिस्तान इज नॉन एज कंट्री ऑफ कैनाल्स। एंड दिस कैनाल सिस्टम रिजल्ट्स पाकिस्तान इन टू ए एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये जो कैनाल सिस्टम है पाकिस्तान में जो डेवलप किया गया है, इसी वजह से पाकिस्तान ने क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या देश है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अफरीदी ट्राइब की, ठीक है, तो अफरीदी ट्राइब एग्जाम में पूछी जाने वाली इंपॉर्टेंट ट्राइब है और ये पाकिस्तान में पाई जाती है। और इनकी अगर आप याद रखने की ट्रिक या हिंट देखें तो ये जो शाहिद अफरीदी पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, और अगर अफरीदी ट्राइब की बात करें तो वो भी पाकिस्तान में पाई जाती है। तो बोथ ऑफ देम बिलोंग टू पाकिस्तान। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्री ऑफ रिवर्स, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अराउंड 700 रिवर्स फ्लो करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इन रिवर्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क है। ठीक है, और द रिवर्स ऑफ बांग्लादेश जनरली फ्लोज साउथ एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है और साउथ की तरफ में क्या करती है, सारी मुख्य जितनी भी नदियां हैं वो साउथ की तरफ फ्लो करती है। और दो इंपॉर्टेंट रिवर है जो इंडिया की, जो बांग्लादेश में बहती है, एक हो गई आपकी गंगा रिवर, दूसरी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो बांग्लादेश में फ्लो करती है इंडिया से होते हुए। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपकी यहाँ से फ्लो करते हुए जब बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर। ठीक है, तो बांग्लादेश में जाते ही ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है, जमुना रिवर। और जब इंडिया से फ्लो करती हुई गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा रिवर। ठीक है, तो पद्मा रिवर नाम हो जाता है गंगा नदी का, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना रिवर। और जब ये मिलने के बाद में दोनों नदी जब मिलती है, मिलने के बाद में इन दोनों नदी का क्या नाम हो जाता है गाइज, इन दोनों नदियों का नाम हो जाता है मेघना रिवर। तो ये दोनों मिलके और जब मेघना रिवर की फॉर्म में जब ये कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, और ज्वाइनिंग के बाद में इनका नाम भी ध्यान में रखें कि मेघना रिवर इनका जुड़ने के बाद में, ज्वाइनिंग के बाद में नाम हो जाता है। अच्छा, एक यहीं का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि अगर सुंदरबन डेल्टा की बात कर ली जाए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है वो इसी इलाके में, जो ये जो यहाँ का जो डेल्टा इलाका है इसी इलाके में पाया जाता है और इसी रीजन में पाया जाता है, और इसी वजह से अगर आप मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो इंडिया में होता है सुंदरबन डेल्टा का, और एग्जाम में पूछे कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ के हैं, कौन से रीजन के हैं, तो इंडिया में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल। ओके गाइस, तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोक्स बाजार बीच, ये बहुत ही फेमस बीच है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बीच है। ठीक है, और इसी वजह से ये एग्जाम में पूछी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीच है तो वो कौन सी है, कोक्स बाजार बीच। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बर्मा के पास में इस इलाके में पाई जाती है, इस रीजन में पाई जाती है, और ये कोस्टल रीजन है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीच है, और इसको टूरिस्ट प्लेस की तरीके से भी देखा जाए तो भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट ट्राइब्स इन एशिया, तो एशिया में कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। पहले हमने अफरीदी ट्राइब के बारे में पढ़ा था, अब हम देख लेते हैं वेदर ट्राइब। अगर वेदर ट्राइब की बात करें तो वेदर ट्राइब क्या है गाइज, ऋग्वेदिक एज से पाई जाती है, और इसी वजह से क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो नंबर है वो क्या है, घटती हुई जा रही है, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 1000 से भी कम हो गई, 1000 से भी इनकी, 1000 से भी इनकी संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर इनका पूछा जाए कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वेदा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में, और ये ऋग्वेदिक एज से कंटिन्यूसली अभी तक भी एग्जिस्ट करती है, और इनकी जो नंबर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। अभी कितनी है इनकी नंबर, 1000 से भी कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनू ट्राइब की, तो एनू ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये जापान में पाई जाती है, और इनकी एक स्पेशलिटी होती है, एक खासियत होती है, ठीक है, कि इनके बॉडी का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, बॉडी का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो एनू ट्राइब जापान, ब्लू कलर, ये याद में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्री विद शेयर मैक्सिमम बाउंड्री, एक ऐसा देश जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो वो आपका क्या है, चाइना। चाइना शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ 14 कंट्रीज। चाइना
सबसे मैक्सिमम नंबर किसी कंट्रीज के साथ में या देशों के साथ में जो बाउंड्री शेयर करता है वो कितने हैं, 14 नेशंस। ठीक है, 14 नेशन में अगर हम बात करें चाइना के साउथ में, तो चाइना के साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज आ गई आपकी, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया और वियतनाम। तो ये सारी कंट्रीज चाइना के साउथ में है। वहीं इसके नॉर्थ में बात करें तो मंगोलिया हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तो ये 3 कंट्री चाइना के नॉर्थ में है। वहीं चाइना के ईस्ट में बात करें तो चाइना के ईस्ट में नॉर्थ कोरिया है, और वहीं चाइना के अगर वेस्ट में बात करें तो किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान, तो ये 4 देश इसके वेस्ट में है। इस प्रकार से चाइना 14 कंट्रीज़ के साथ में अपनी सीमा से साझा करता है, बाउंड्रीज शेयर करता है। ठीक है, अगर हम कैपिटल ऑफ चाइना की बात करें तो कैपिटल क्या है चाइना की, बीजिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें 38th पैरेलल लाइन और लेटिट्यूड लाइन, तो ये सेपरेट करती है दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज को, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है गाइस, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या करती है, ये सेपरेट करती है 38th पैरेलल लाइन, लेटिट्यूड लाइन। लेटिट्यूड लाइन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती है, जो ये वाली लाइनें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेटिट्यूड लाइन। ठीक है, लेटी हुई लाइन, तो ये अपनी अपनी ट्रिक होती है, उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। और ये कोरियन पेनिनसुला है, ये जितना भी, इसे हम कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं, और ये कोरियन पेनिनसुला को दो पार्ट में बांटती है, एक नॉर्थ कोरिया हो गया, एक क्या हो गया, साउथ कोरिया। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि 38th पैरेलल लाइन कैसे बनी, तो ये बॉर्डर का रूप इसने कैसे लिया, तो ये कोरियन वार से इसने अपने बॉर्डर का रूप लिया था। तो जापान ने इसके ऊपर 1910 से 1945 के बीच में इसके ऊपर रूल किया था, और पूरे कोरियन पेनिनसुला पर रूल किया था 1910 से 1945 के बीच में। और जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया था, तो सरेंडर करने के बाद में ये सोवियत एंड अमेरिकन ऑक्यूपेशन जोन के रूप में उभर के सामने आया। फिर जब 1948 में ये पैरेलल लाइन दो देशों के बीच की बाउंड्री बन चुकी थी, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, 1948 में, 1948 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया देश के रूप में उभर कर सामने आए, और 38th पैरेलल लाइन इन दोनों के बीच की जो रेखा है, जो अक्षांशीय रेखा है, वो एक बाउंड्री लाइन का रूप ले लिया। अगर हम कैपिटल बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो वो है प्योंगयांग, और अगर साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करें तो वो है सियोल। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिडल ईस्ट कंट्री ऑफ एशिया, अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट के पीछे बहुत से रीज़न है, क्योंकि ये साउथ एशिया का जितना भी रीज़न है, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और बांग्लादेश हो गया, तो इसके क्या होता है, ये वेस्ट में पड़ता है और अमेरिका के ईस्ट में पड़ता है, एंड यूरोप के सारे इन्वेजन जो हुए थे, यूरोप में जितने भी इन्वेजन हुए वो इसी रीजन के थ्रू हुए थे, और ये जितने भी मेजर रिलीजन हैं तो उन सब का ओरिजिन भी कहाँ हुआ था, इसी रीजन में हुआ था। जैसे आप बात करें जुदाइज्म की, यहूदी की, तो यहूदी वंश का भी और यहूदी धर्म का भी यहीं से ईजाद हुआ था। उसके बाद में अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो क्रिश्चियन भी यहीं से, जो ईसा मसीह थे वो भी यहीं के थे, और इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भी यहीं से उपजा था। और फेमस सिविलाइजेशन की बात कर लें, मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो इराक में है, तो वो भी यहीं की है, और इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात करें तो वो भी यहीं की है। तो देखिएगा जी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट, और इसमें कुल मिला के 18 कंट्रीज है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इसके ये दो महाद्वीपों में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में इसका इजिप्ट, और अगर इसके बात करें एशिया के, तो एशिया के जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी मिडिल ईस्ट में आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहरीन, साइप्रस, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, नॉर्दर्न साइप्रस, ओमान, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन, ये सारी कंट्रीज है, जिसमें इजिप्ट एक अफ्रीका की कंट्री है और बाकी सारी क्या है, वेस्टर्न एशिया की कंट्री है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और इनकी क्या क्या कैपिटल है और क्या क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो वो हम देख लेते हैं। टर्की है, टर्की की अगर हम कैपिटल की बात करें तो क्या है, अंकारा, और टर्की दो महाद्वीपों में स्थित है, ये टर्की यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। इसका एक इस्तांबुल शहर है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में स्थित है, और संसार का ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दो महाद्वीप में स्थित है। तो इस्तांबुल शहर की बात करें तो इस्तांबुल ऐसा शहर है जो दो, एक ऐसी सिटी है जो दो महाद्वीप में स्थित है। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें
टर्की के साउथ में, तो ये आपका सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इसके नीचे जॉर्डन हो गया, साउथ में इसके साउथ में सऊदी अरबिया हो गया। ये देखिएगा गाइस, ये ध्यान से देखिए, ये है स्वेज कैनाल। ये क्या करती है, ये इधर से रेड सी, ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल। तो ये अफ्रीका, और इधर से अफ्रीका हो गया और इधर से एशिया, इन दोनों महाद्वीप को क्या करती है, अलग करती है स्वेज कैनाल। और अगर हम बात करें ये किन दो सीज को कनेक्ट करती है, तो वो आपका हो गया मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है। और अगर कौन से दो महाद्वीप और कंटिनेंट को अलग अलग करती है, तो एशिया और आपके यूरो अफ्रीका कंटिनेंट को अलग करती है स्वेज कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यमन की, यमन की लोकेशन ये है, इजिप्ट हो गई, इजिप्ट में नील नदी की वजह से ये काफ़ी फलता फूलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओमान हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, और ये पर्शियन गल्फ हो गई जिसके आसपास के ये सारे देश हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में काउंट होती है, ये आप ध्यान में रखें। नाउ हेयर इज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट मिडिल ईस्ट। लेबनन इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ मिडिल ईस्ट। एंड लेबनन की लोकेशन की बात करें तो ये साउथ कोरिया के वेस्ट में स्थित है। एंड 6% ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, टर्की को, क्योंकि टर्की में जितने भी सारे इन्वेजन हुए थे, वो यूरोप में जितने भी इन्वेजन हुए थे वो सारे टर्की के थ्रू हुए थे, और टर्की दो कंटिनेंट में स्थित है, यूरोप एंड एशिया, इसी वजह से इसे बीमार व्यक्ति बोला जाता है यूरोप का, ठीक है। टर्की बीमार व्यक्ति है यूरोप का, ठीक है। और टर्की का मैंने पीछे वाले में भी हमने डिस्कस किया था पीछे क्वेश्चन में, कि इस्तांबुल है जो ओल्ड कैपिटल है टर्की की, और ओनली सिटी है वर्ल्ड में जो दो कंटिनेंट में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दमिश्क की, तो दमिश्क कैपिटल है सीरिया की, सीरिया की राजधानी दमिश्क, और ये संसार की सबसे पुराना शहर है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी इज दमिश्क। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया की ओल्डेस्ट सिटी, तो इंडिया की ओल्डेस्ट सिटी कौन सी आपकी, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंडियाज ओल्डेस्ट सिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वेज कैनाल, तो ये दो कंटिनेंट को सेपरेट करती है, एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट को, और वहीं ये दो सीज को जोड़ती है, दो सीज को कनेक्ट करती है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। मलक्का स्टेट, मलक्का स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट होती क्या है। तो स्टेट लार्ज वाटर, स्टेट एक ऐसा पाथवे होता है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम यहीं की बात करें तो इस वाले हिस्से को अगर हम बोले तो ये क्या है, इंडियन ओशन, और जो इधर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इस ये वाला हिस्सा क्या है, साउथ चाइना सी। तो इन दोनों को कनेक्ट करती है कौन सी, ये मलक्का स्टेट, ठीक है। तो मलक्का स्टेट इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, और ये क्या करती है, दो लैंड मासेस को भी सेपरेट करती है। तो ये दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है, और इसी टाइप के पाथवेज को क्या बोलते हैं, हम स्टेट बोलते हैं। तो ये दो कंट्रीज जो लैंड मास है उनको सेपरेट करती है, वो है मलेशिया और सिंगापुर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ये दो कौन, मलक्का स्टेट है वो कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करती है, मलेशिया एंड सिंगापुर। अगर हम बात करें मलेशिया के कैपिटल की, तो वो है कुआलालंपुर, एंड अगर कैपिटल की बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर देश के नाम पर ही सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है, ठीक है गाइस। अगर हम ध्यान से देखें कि इन पे दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स भी लोकेटेड हैं, एक इंडोनेशिया का पोर्ट है वो है बेलावन, और अगर हम मलक्का और पेनांग है ये किस पे, मलेशिया के अंदर दो इम्पोर्टेंट पोर्ट स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आबू धाबी की, आबू धाबी विच इज़ ए कैपिटल ऑफ यूएई, यूएई की राजधानी है। यूएई की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और एमिरेट्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्टेट, ठीक है। तो आबू धाबी में कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग्स होती हैं जो बुर्ज खलीफा वगैरह वहीं की है, तो ये ध्यान में रखिए। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरेट्स मतलब स्टेट, ठीक है। तो एमिरेट्स का मीनिंग पूछा गया है पिछले एग्जाम में, तो आप ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोहा, तो दोहा कैपिटल है कतर की, और एंड बात करें दोहा में की, तो दोहा में 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाले हैं, ठीक है। तो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होंगे, दोहा में, ठीक है। अगर हम बात करें यूएई की लोकेशन की, तो यूएई की लोकेशन ओमान से वेस्ट में एंड साउथ इसी के वेस्ट में कतर की लोकेशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, अगर इनकी लोकेशन पूछ ली जाए तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोक्यो, टोक्यो द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है।
और ये एक फेमस सिटी है और इम्पोर्टेंट सिटी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और अगर आप इस कंट्री की इस सिटी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए अगर आप कोई से भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है। और टोक्यो के बारे में हम देखते हैं कि टोक्यो लार्जेस्ट सिटी है वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? टोक्यो। एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन वर्ल्ड। संसार की अगर सबसे बड़ी खर्चीली सिटी है तो कौन सी है? अगर आपके पास में पैसा वैसा बहुत ज़्यादा हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए? टोक्यो जैसे शहर में, ठीक है। ये जैसे लोग यहाँ टिकटॉक वाले घूम के आ जाते हैं तो उनकी तरह नहीं, आपके पास में अच्छा खासा पैसा कमाओ और आप घूम के आओ टोक्यो जैसे शहर में, तब आपको पता चले कि हाँ कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी में घूमने का और वहाँ के क्या नज़ारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये टोक्यो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड की, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी टोक्यो है और मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी वर्ल्ड की टोक्यो है और लार्जेस्ट सिटी भी वर्ल्ड की टोक्यो है। और 2020 के जो ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है, वो भी कहाँ होंगे? टोक्यो में, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले हैं। अगर हम बात करें जापान की, तो जापान एक आइलैंड नेशन है और वो क्या है, चार आइलैंड से मिलके बना हुआ है। अगर हम इसके वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले आता है आपका क्यूसू आइलैंड, उसके बाद में सिकोवू आइलैंड, होन्सू आइलैंड एंड होकेडो आइलैंड। और आपके होन्सू आइलैंड पे ही क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। और जापान की अगर लोकेशन की बात करें तो जापान ईस्ट चाइना सी के ईस्ट में और फिलीपींस सी या आप नॉर्थ पैसिफिक सी के वेस्ट में एंड नॉर्थ में, और सी ऑफ जापान भी इस रीजन को बोला जाता है। और ये जो कोरियन पेनिनसुला है इसके ये साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसके आसपास की लोकेशन भी आप ध्यान में रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, इंडिया की कौन सी पॉपुलेटेड सिटी है, तो वो आपकी फिल्म नगरी बॉम्बे, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे, मुंबई मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया की। और इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वर्ल्ड में। तो आपको अगर फर्स्ट का पूछ लिया जाए तो फर्स्ट कौन सी है, टोक्यो। एंड सेकंड की बात करें तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी वर्ल्ड की कौन सी है, बॉम्बे मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंडुंग, ठीक है, बैंडुंग सिटी है ये इंडोनेशिया में स्थित है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बैंडुंग सिटी की बात करें, ठीक है, तो ये चिनकोना ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। चिनकोना ट्री जिनका यूज किया जाता है क्विनोन ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है। क्विनोन एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है क्विनोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो यूज होता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। तो बैंडुंग सिटी है, इसके अंदर चिनकोना का प्रोडक्शन किया जाता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ये बैंडुक सिटी कौन से इंडोनेशिया के कौन से द्वीप पे है, तो ये वेस्ट जावा द्वीप पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल की, ठीक है, तो ये क्या है दोनों, ये दोनों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम इंडस्ट्री, संसार के सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करने वाले ये कंट्रीज है, ठीक है, पेयर ऑफ कंट्रीज है, ठीक है। गोल्डन क्रेसेंट में तीन कंट्रीज आती है और ये तीनों कंट्रीज कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। इनका जो ये माउंटेनियस इलाका होता है, इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट मतलब कि अर्धघटा चांद जैसा। तो इनका जो स्ट्रक्चर दिखता है मैप में वो क्या दिखता है, एक अर्धघटे चांद की तरह दिखता है और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रेसेंट कंट्री, अर्धघटे चांद जैसी। और ध्यान में रखिए कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम इंडस्ट्री है, मतलब कि अफीम उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जो अफीम का उत्पादन होता है तो वो इन्हीं देशों में होता है। गोल्डन ट्राइंगल की बात करें तो गोल्डन ट्राइंगल में तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं, तीन मुख्य कंट्री हैं, म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। इनकी भी जो शेप होती है, ज्योग्राफिकल से शेप बनती है, वो भी एक ट्राइंगल के रूप में बनती है, इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, गोल्डन ट्राइंगल। अगर हम बात करें ओपियम की, तो ओपियम का अगर प्रोडक्शन देखें, लीगल और इलीगल दोनों को काउंट किया जाए, तो अफगानिस्तान वर्ल्ड में नंबर वन पे आता है कि अफगानिस्तान संसार में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करता है। और अगर लीगल मैनर में अगर अफीम का उत्पादन देखें, ओपियम का प्रोडक्शन देखें, तो इंडिया सबसे ज्यादा ओपियम का या अफीम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एशियन टाइगर की, तो एशियन टाइगर भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और इस ग्रुप में कितने कंट्रीज आते हैं गाइस, फोर कंट्रीज आते हैं एशियन टाइगर में, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड ताइवान। इनको टाइगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी गाइस बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है इनकी इकोनॉमी है। और अगर इनकी कैपिटल की बात करें साउथ कोरिया की, तो सियोल हो गई, ताइवान की ताइपेई, और हांगकांग जो कि एक चाइना के अंडर में सोवरिन स्टेट है, चाइना का ही एक स्टेट है, तो
इसकी कोई कैपिटल नहीं है, और अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। ठीक है, थैंक यू।